हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ होममेड पास्ता की रेसिपी। तो बाजार से पास्ता आपने बहुत बार लाए होंगे और बनाए भी होंगे, पर आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी है और घर पर मैदा सूजी से, सिर्फ मैदा सूजी से आप पास्ता घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अलग तरीके से और अलग अलग डिज़ाइन में, और बहुत ही अच्छे से बनाकर इसे आप पास्ता को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस पास्ता को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं 1-2 महीने 3 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपका मन करे इसे बॉईल करके और तड़का लगाकर आप इसे पास्ता की तरह खा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और 1 कप मैंने मैदा लिया है। तो 1 कटोरी से आप नाप कर लीजिए, जितना मैदा लिया है उतनी ही सूजी ली है मैंने। और जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं मैदा सूजी, बराबर क्वांटिटी में लेना है। तो जितनी मैदा लिया है उतनी ही सूजी ली है मैंने, और इसको मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। हमें ना ही सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा पतला या ढीला सा डो नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है। तो बराबर कंसिस्टेंसी में डो बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और डो बना लेंगे। डो अब बन चुका है, ये देखिए। डो बनाने के बाद इसे 10 मिनट रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से भीग जाए, और फिर इसके लोइया तोड़ लेंगे, गोल गोल पेड़ा बना लेंगे। और इसमें आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको वाइट कलर में भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर ऐड करके अलग अलग कलर्स के बॉल्स बना लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने रेड कलर लिया है। और ये देखिए सभी कलर के डो मैंने अब तैयार कर लिए हैं, येलो पिंक ग्रीन और वाइट रख लिया है थोड़ा सा। और फिर अब इसे एक पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे, और तो अलग अलग कलर के पेड़ा से बेल लेंगे और अलग अलग डिज़ाइंस बना लेंगे। जिस भी जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है आप इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। बिल्कुल पतला बेलना है इसको, और पतला पतला इसे बेल कर अलग अलग डिज़ाइंस में कट कर लेंगे, अलग अलग शेप्स बना लेंगे जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। Thank you.
बनाकर रखा था उसी सभी के अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइंस बना लिए हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें बनाकर सुखाकर आप अब इन्हें धूप में 2-3 दिन सुखा देंगे और सुखाने के बाद एकदम से ड्राई हो जाएंगे तो इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे इससे हम पास्ता बना सकते हैं। इसे बॉईल करेंगे और फिर पास्ता की तरह इसे तड़का लगाकर इसे बना सकते हैं पास्ता की तरह। तो ये देखिए अब ये सूखकर एकदम कड़क हो गए हैं और एकदम से सूख चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इसे बॉईल करेंगे तो पानी को गर्म कर लेंगे और फिर इन्हें उसमें डाल देंगे। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद उसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और पानी बॉईल हो जाएगा जब हम इसे इसमें पास्ता जो सूखे हुए पास्ता हैं हमारे वो ऐड कर देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। और इसे पकने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये पक जाते हैं। और जब भी आपको पास्ता बनाने हो तो आप इस तरह से पास्ता बना सकते हैं। तो इसी तरह से इन्हें अब छलनी में निकाल लिया है मैंने, अब ये बॉईल हो चुकी हैं और इन्हें बॉईल होने के बाद इसमें वेजिटेबल्स डालकर तड़का लगाएंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और जीरा डाल देंगे उसमें। ऑयल अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो जो भी आपको पसंद है वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, टमाटर, प्याज, अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन और शिमला मिर्च, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है डाल सकते हैं। और फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जो भी स्पाइस आप डालना चाहते हैं इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छे लगते हैं वो स्पाइस इसमें डालकर इसे अच्छे से करेंगे सब्जी को। और फिर जो उबले हुए पास्ता है वो ऐड कर देंगे और पास्ता को 2-3 मिनट पका लेंगे और फिर हमारा पास्ता जो बनकर रेडी हो जाएगा। लो फ्रेंड्स, अब हमारा टेस्टी सा पास्ता बनकर रेडी हो गया है और वो भी घर पर बना हुआ पास्ता हमने आज बनाया है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार अगर रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और चैनल पर न्यू है अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।